ज्येष्ठ अमावस्या होची सावित्री अमावस्या। उत्कलीय संस्कृति रे जेते ओषा व्रत पालन करा जाए सेमानक मध्यरे सावित्री व्रत अन्यतम। सधवा नारी माने स्वामींकर दीर्घ जीवन कामना करी सावित्री व्रत पालन करी देवी सावित्रींकर उपासना करी थांती। सधवा नारी माने निष्ठार सह जेतेक व्रत पालन करती तन्मध्यरे सावित्री व्रत हेउची प्रधान। यही व्रत पालन करने पछरे दुईट कहानी पुराण में वर्णित होती। पवित्र चरित्र सावित्री चरित्र वेद वर्णित प्राचीनतम कहानी मानक अन्यतम। हजार हजार वर्ष धरी भारतीय जनमानस प्रतिबिंबित एवं हृदय अनुरणित होता। परवर्ती काल में व्यासदेव रचित संस्कृत महाभारत वन पर्व उपाख्यानटी एक कथाकाव्य रूप ग्रहण कर सेथिरे वर्णना करा जाइछि जे वनवासी पांडव मानक निकटरे उपस्थित हो ऋषि मार्कंडेय युधिष्ठिरंकर एक प्रश्नर उत्तर स्वरूप जड़े तेजमयी अमित शक्तिशालिनी महीयसी स्वाधी सती नारी सावित्रींकर जीवन कहानी वर्णना करथिले। प्रसंगटि हला बहु पुरातन कालरे मद्र नामक एक देश थिला जहार नरपति थिले अश्वपति। से थिले खूब धर्मपरायण सत्यसंध जितेन्द्रिय एवं प्रजावत्सल किंतु से थिले निसंतान। वंश रक्षापी संतानर आवश्यकता दृष्टि से एक महान यज्ञ अनुष्ठान आरंभ कले। सावित्री महामंत्र जप एवं यज्ञ रे आहुति प्रदान पूर्वक 18 वर्ष काल अश्वपति एवं तांकर पत्नी मालव कुमारी से माने साधना कले। दिने विश्वजननी देवी सावित्री तांकर सम्मुख रे आविर्भूत होई तांको बर प्रदान पूर्वक कहिले जे अल्प दिन मध्यरे तांकर एक तेजस्विनी कन्या जन्मलाभ करिवो एवं से अनुपमा अक्षय कीर्तिर मध्य अधिकारिणी हेबो। अश्वपति अति आनंद रे तांकर आशीर्वाद ग्रहण कले। किछि काल परे तांकर पत्नी का गर्भरु जात हेले दिव्य प्रभाजुक्त एक कन्या जे कि जगधात्री देवी सावित्री। तांकर प्रसादरु सावित्रींक प्रसादरु जगधात्री देवी सावित्रींक प्रसादरु कन्यार जन्म होइथवारु तांकर नाम रखागला सावित्री। एवं बयस जेतेबेले बयस वृद्धि संगे यही कन्यार जो तेजस्विता एवं दिव्य सौंदर्य दर्शन करी लोकंकर मन होता जे मानवी रूप से ही जड़े देवी पृथ्वी पृष्ठ से जन्मग्रहण करौवन उपनीता यही जो तेजस्विनी कन्यार पाणी ग्रहण करने कौन सी राजपुरुष साहस कले ना। सावित्रींकर रूप एवं गुणर प्रतिभा राजकुमार मैंने जमी निजक मलिन निष्प्रभ एवं अजोग्य मन करुले जेते प्रस्ताव बाढ़ से माने दूरे जाऊले। एवं राजा अश्वपति शेषे निष्पत्ति कले जे सावित्री निजे ही निजर पति निर्वाचन करेंगे। पिताकर जो निष्पत्ति को स्वीकार कर सावित्री दृढ़ संकल्प नहीं से तांकर सहचरी सखी परिचारिका मानक एवं पात्र मंत्री सैन्य सामंत सह से पति अन्वेषण में जनपद रु जनपद अरण्य रु अरण्य से घूरी बुलिले। तांकर मनरे पूर्ण विश्वास थिला जे तांकर अभिलषित योग्य बरपात्र संधान तांकु निश्चित मिलिबो। तांकर उद्देश्य सफल होला। से अरण्य रे काष्ठ संग्रह करुथबा सत्यवान नामक एक रूपवान युवक को देखि सावित्री ता प्रति आकृष्ट होई मने मने तांकु पति रूप से वरण कले। एवं से मध्य से शेष को जितेबले प्रत्यावर्तन कले फेरिबा पथ को उत्कंठित चित्तरे अपेक्षा करथिबा राजा राणी निकटरे हठात उपस्थित हेले देवर्षि नारद। एवं राजा राणी से देवर्षि पदवंदना पूर्वक तांकु राजकीय आतिथ्य प्रदान करथुवा बडे प्रवेश कले सावित्री। पितामाता सहित सेठारे उपस्थित थिबा देवऋषि नारद को प्रणाम जणैबा सह सावित्री तांकर अभिलषित पतिंकर संधान पाइथिबा संवादटी सुसंवादटी मध्य प्रदान कले। बरपात्रंकर परिचय जानिबा पई उत्सुक पितामाता आगरे सावित्री नम्र भावरे घटनाटी वर्णना करी कहिले जे सल्ल राजवंशर प्रजावत्सल नरपति दिमतसेन हठात अंध होइजिबारु शत्रु माने तांकर राज्य अधिकार करिनै तांकु तांकर पत्नी एवं एकमात्र पुत्रंकु राज्यरु निर्वासित करि दैछंती। अधुना से माने घोर अरण्य ऋषि मुनि से माने जीवन जापन करुछंती। तरुण पुत्र सत्यवान को से साक्षात करिवार सुजोग मध्य से पाइथिले। एवं से जो सौम्य एवं सत्यनिष्ठ तेजस्वी तरुण को से मने मने पति रूप से वरण करिछंती।
एणिकी तांकर विवाह अनुष्ठान दायित्व तांकर पितांकर एवं राजा अश्वपति कन्यार जो निर्णय उपरे पूर्ण विश्वास से रखिथिले तथापि सेठारे उपस्थित जो देवर्षि नारदंकर मतामत चाहिबारु से कहिले आपणंकर कन्या सावित्री तांकर निर्वाचित बरपात्रंकर संधान संपर्क रे जहां कहउचंती ता सत्य से युवक सत्यवान से सूर्य सम तेजस्वी बृहस्पति पर धीमान महानुभव एवं क्षमाशील सर्वगुण संपन्न धर्मनिष्ठ एवं कंदर्प मनोहर किंतु से अल्पायु तांकर आज ठारु एक वर्ष जो दिन पूर्ण हेबो से मृत्युवरण करिवे यह विधिर विधान ता कौनसी प्रकार रे अन्नता हेबो नाही या सुनी राजा राणी विचलित होई पड़िले सत्यवानकर एक वर्ष आयुष अवशेष शुणी पितामाता सावित्री को मत परिवर्तन करिवा पई तांको प्रवर्ताइले जे तुम्हें तुम्हारो सिद्धांत ओहरी जाओ सावित्री हेले सावित्री निज हृदय रे सत्यवान को पति रूप से वर्ण कर सारी से अन्न क्या आउ ग्रहण करें ना सावित्री दृढ़ मना थे तेणु राजा राणी सखीगण जो उपदेश मन को दोहल पार ना शेषर जो सत्यवान सहित जो तर परिणय संपन्न होता सावित्री अप्रतिहत इच्छा शक्तिर अधिकारी थे सावित्री तांकर वनवासी जो तांकर सावित्री वनरे समस्त जो मूल्यवान अलंकार एवं तांकर मुनि समस्त जो अलंकार को से दान कर देथिले एवं तापरे से अलंकार मुनि ऋषि मानंकु से दान कर दे वृक्षर बक्कल पिंधि फलमूल भक्षण कर से रहउथिले अरण्यरे तांकर पति सहित एवं वनवासी सत्यवान सह से पर्णकुटीर रही वृद्ध शाशु शशुरंकर सेवा कले किंतु प्रति मुहूर्त मृत्युर कराल छाया से देखिपारुथिले प्रत्यह कांथरे से गारटाणी हिसाब करुथिले जे ये कथा अन्य केही मध्य जानी पारुनथिले तेणु निजर एकाकिनी से निज भितरे जीवन मृत्यु को नहीं संग्रामरत थिले शेषे से चरम परीक्षार दिन टी उपनीत हेला एवं से काल दिवस आसवा को मात्र चार दिन बाकी थाए सावित्री निज को प्रस्तुत करे निर्जला उपवास त्रिरात्र व्रत पालन कर आरंभ कले देवी सावित्री एवं कौन कले ना से दिन जिते त्रिरात्र व्रत आरंभ कले एवं शेष दिन काष्ठ संग्रह करने निमित्त सत्यवान बाहर सावित्री शाशु शशुरंकर अनुमति नहीं स्वामी सहित से वनगमन कले एवं काठ हाणुवा बड़े काठ हाणुवा बेले दिवा अवसान किसी समय पूर्व अरण्य मध्य सत्यवान हठात असुस्थता अनुभव कर से क्लांत हो पड़ू तले सावित्री कोल में मथा रखी विश्राम ने बेले जीवन दीप लिभि जाता एवं जितेबले चित्रगुप्त सत्यवान परमायु शेष होगा कथा शुणी सत्यवान आत्मा को आणवापी जमराज जमदूत मान को पठाइले सावित्री सतीत्व अम्लान थवर उज्जवल दिव्य रूप प्रकाश पाला मृत स्वामी को कोल में धरी क्रंदन करुवा सावित्री मुखमंडल उज्जवल ज्योति बाहरी से स्थान दीप्तिमंत होगा देखी जमदूत मैंने सत्यवान आत्मा को नेपाई ताक निम्ते साहस करें जमदूत मैंने दूर से थी सत्यवान को त्याग करने जिते भय देखले सावित्री नीरव निश्चल जमदूत मैंने सत्यवान आत्मा को नहीं नपारी फेरीगले जमराज को एक से जड़ेले यह शुणी जमराज दूत मान को धिक्कार कर स्वयं निजे सत्यवान आत्मा को आणवापी गले सावित्री तेज देखी जमराज विस्मित हेले सावित्री देखिपारे रक्तवसन परिहित सूर्य सम तेजदीप्त पुरुष हाथ में पाशाकुश धरी सत्यवान मृत शरीर निकट में पहुँची एवं सावित्री बुझिपारे ये होती स्वयं जमराज बोली सावित्री बुझिपारे एवं जमराज सूक्ष्म पाशे सत्यवान आत्मा को बांधि नहीं जाऊवा सावित्री जिते जमराज सूक्ष्म पाशे सत्यवान आत्मा को बांधि नहीं जाऊवा देखी सावित्री पति को अनुसरण कर पचे पचे जामराज सावित्री को फेरी जावाई कह सावित्री कहले ये धर्मदेवता आपण को समस्ते निष्ठुर कहती मात्र मु देखुची आपण परम दयालु पति जो स्थान को जीवे से स्थान को जीवा मोर कर्तव्य सनातन विधि अनुजाई मोर परम गुरु पति को मु अनुसरण करी जाउची सावित्री पति को अनुसरण करी स्वर्गर अधा बट पर्यंत पहुँची था जमराज तांको बारंबार फेरी जीवापाई कहता सावित्री कहले मु पतिव्रता सती नारी तेणु मु पति को अनुसरण करवा मोर धर्म जमराज कहले देखाओ तुम से अलौकिक साधनार फल सावित्री संगे संगे काली कराली दुर्गा सरस्वती आदि रूप धारण कले सावित्री एपरि अलौकिक रूप तथा मधुर वचन में संतुष्ट हो जमराज कहले सत्यवान जीवन व्यतीत एक बर तुम्हें मागिपार तेणु यही भाव में जिते सावित्री कहले
मोर जो अंध शशुर से शत्रु मान द्वारा विताड़ित हो राज हर से अरण्य मध्य दुखने कालातिपात करुंतर हृतराज्य दृष्टिशक्ति फेरी पाऊ जम तथास्तु कही फेरी जावाई कहले। सावित्री कहले शास्त्र पंडित साधुजन शुणी साधुजन संगलाभ कले मनवांचित फललाभ कर सर्वप्राणी हित करें आपण साधु संग लाभ करी मो जीवन धन्य जम तांकर एभली मधुर वाक्य संतुष्ट हो कहले हे सुवासिनी आउ एक बर मागिपार मात्र सत्यवानर प्राण व्यतीत। सावित्री कहले जे मो पिता अश्वपति पुत्र नहीं एक सत पुत्र लाभ हो जम तथास्तु कही फेरी जावाई कहले। सावित्री कहले आपण स्वयं सूर्यपुत्र धर्मराज आपण सत्पुरुष मित्रता स्थापन समस्त भाग्य हुए ना लोकों ठारु जहाँ शुणी एवं देखुची आपण परम दयालु जम प्रसन्न हो कहले तुम ठारु एभली मधुर कथा मुझे शुणुची अन्न का ठारु एभली कथा मधुर कथा मुझे केवे शुणी नी तेणु सत्यवानर जीवन व्यतीत आउ एक बर मागिपर। सावित्री कहले मुझेपरी प्रबल वीर्यशाली सतपुत्र जननी हेबी से ही आशीर्वाद करतु जम कहले तथास्तु बहुत बाट चली आसिले फेरी जाओ। सावित्री कहले हे प्रभु मोर एकाकी जीवार प्रश्न उठूना सत्यवान प्रत्यावर्तन नक एकाकी जीवी ना मु पतिव्रता सती नारी एक पत्नी व्रत ग्रहण करी पति बिना वीर सतपुत्र जननी हेबी केमी स्वामी बिना मो गर्भर पुत्र संतान किभली भाव संभव हे तेणु सावित्री पांडित्यपूर्ण कथा शुणी जमराज संतुष्ट हो कहले तुम्हें यथार्थ कथा कही तुम मु तुम पति को मुक्त करुच्ची यापर जमराज सत्यवान शरीर आत्मा को फेरई सावित्री शक्ति निकटने मृत्यु देवता जम जर हार जम देवता हार मानिले से जो भक्तिमती मुक्तिमती सहिष्णु सावित्री जो तर साधना बल तांकर मृत्यु मुखर तांकर स्वामी को बचाई पारिथिले। स्वामींकर शव पाख को सावित्री फेरी आसिले कारण सूक्ष्म रूप से जमराजा को से अनुसरण करते जेतेबेले जमराजा तांकर स्वामींकर आत्मा को नहीं जाऊथिले सावित्री से सूक्ष्म शरीर से जम को अनुसरण करते तेणु जेतेबेले आत्मा को फेरई देले सेतेबेले सावित्री जेतेबेले स्वामींकर शव पाख को फेरिले तांकर जो मथा को जो स्वामी मथा को कोल रखी जिते उठापी कहले से स्वामी आखि मड़ी मड़ी से उठिले जिते घरे गले सावित्री को पचारे कौन घटना यह सब है से घर को गले सब कथा कहे कहले जिते घर को फेरवापर सावित्री सब कथा कही तेणु सावित्री तर सतीत्वर जो विचक्षण सतीत्व बल पति को फेरी पाई जो घटनाटी घटी ज्येष्ठमास कृष्णपक्ष चतुर्दशी आउ केतक स्थान में कहती ज्येष्ठ कृष्ण जो अमावास्या तिथि तेणु सधवानी वैधव नापाई प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी दिन जो सावित्री व्रत पालन करती आहरी केतक स्थान में ज्येष्ठमास जो अमावस्या सावित्री व्रत सावित्री अमावस्या पालन करती सावित्री चतुर्दशी सावित्री अमावस्या यही भाव तेणु बरग चमड़े कि घरे घरे बट डाल रखी बट सावित्री पूजा कराए व्रत दिन अन्न ग्रहण नक फलमूल ग्रहण कराए सावित्री मंत्र ओं ह्रीं क्रीं सावित्री स्वाहा यही मंत्र उच्चारण कर सावित्री देवी पूजा कराए तेणु ये जो सावित्री जो सतीत्व बल अम्लान जो सतीत्व बल से मृत स्वामी को यह भाव से फेरी पाई जमराजा को परास्त कर मधुर कथार तेणु आमर जो कथा होची जे स्वाधी नारी जो सतीसाधी सावित्री निजर बुद्धि बल जमदेवता संतुष्ट कर सत्यवान जीवन फेर आनी केवल से नुहे जमदेवता आशीर्वाद शाशु शशुर दृष्टिशक्ति फेरी आसी और राजाराणी निज राज्य फेरी पाई शाशु शशुर अंध होबार कारण एवं सत्यवान अल्पा जो स्वल्पायु होबार कारण सावित्री जमराजा को पचार जमराज कही थे गोटे कपत ता बसा डिंब दे थाए तुम शशुर से जो कपत बसा भांगी डिंब सब भांगी नष्ट कपतर दुई आखि को ताड़ी देते कपत जंत्रणा दुखरे झुरी झुरी ताको अभिशाप दे प्राणत्याग कर पूर्वजन्मर से ही अभिशाप फल दिमत सेन और पत्नी जन्मरु चक्षुहीन चक्षुहीन हो से शत्रु मानक द्वारा राज्य विताड़ित हो जंगल आश्रम जीवन कटोले आउ सत्यवान धर्मपरायण हो अल्पायुष होबार कारण से पूर्वजन्म गोरु पानी पीऊ समय टीका मारि घोड़ेला से ही अपराधर से अल्पायु होते यह कही जमराज सत्यवान सावित्री को
400 वर्ष परमायु प्रदान कर अंतरित हेले जमराजा आशीर्वाद रु से दुहे लिकसत्र वीरपुत्र जननी बद्ध होते तेणु जो सावित्री देवी जो ज्येष्ठ मास जो अमावास्या बा चतुर्दशी रे सधवा नारी माने सावित्री व्रत पालन करी स्वामी सुंदर स्वास्थ्य एवं सुखमय जीवन कामना करी ये व्रत पालन कराए। अमावास्या बा चतुर्दशी मध्याह्न रे ये व्रत पालित हुए। ग्राम बा सहर कौनसी मंदिर रे विजे करितबा सावित्री प्रतिमा सधवा नारी एकत्र होई नुआ साड़ी नड़िया पणस आंब खजुरी इत्यादि पाचिला फल दे सावित्री मंत्र रे पूजा करिथांती एवं पूरा दिन उपवास व्रत पालन करिथांती। पूजा समय पूजा समाप्त हेले प्रसाद सेवन करी सावित्री उपाख्यान पाठ करिथांती एवं केतक स्थान रे व्रतचारिणी माने बटवृक्ष मूल में शील फुआ रखी ताको सावित्री प्रतिमा मन कर पंचामृत गाधोई सावित्री मंत्र रे पूजा करिवार देखा जाए। पूजा समापन पर पुष्पांजलि से आरती धूप दीप अर्पण करा जाए। तेणु सावित्री व्रत पालन कले निसंतान नारी संतान लाभ करवा निश्चित बोली स्वीकृत रही। अन्य मत सावित्री तांकर जो स्वामी सत्यवान को मृत्यु ठार छड़े आनी सधवा नारी माने सतीत्व एवं निष्ठा प्रतिपादन उद्देश्य यही व्रत पालन करी व्रत रे संतान सुख आजीवन स्वामी सुहाग ए सब लड़ा सहित गुरुजन मानकर आशीर्वाद भिक्षा करी। सावित्री व्रत पालन जो पालन पूजारी आराध्या देवी भाव देवी माँ सावित्री पूजा कराए। ये केवल यू सत्यवान सती सावित्री पूजा कराए ना ये पूजा कराए देवी जो आराध्या देवी देवी सावित्री पूजा अर्चना कराए। ये सावित्री सत्यवान पत्नी सावित्री नुहंती। ये सावित्री होती वेदमाता माँ गायत्री दुर्गा से ब्रह्मांकर पत्नी सूर्यंकर से ब्रह्मांकर पत्नी एवं सूर्यंकर सूर्यंक भली से मध्य तेजियान एवं से सूर्यमंडल से देवी तेरे वेदमाता गायत्री दीपहर कालीन ध्येय रूप से पूजा मध्याह्न काल में करा जाए। यही व्रत रे बटवृक्ष तले पूजा पूजा करिवार उद्देश्य होची एक बटवृक्ष तले महासती सावित्री तांकर मृत स्वामी सत्यवान को जीवन जमराजा ठारू फेर आनी तेणु सावित्री व्रत रे बटवृक्ष को मध्य पूजा करा जाए था। एवं जो दुईता दुई कूल हित साधन करती सावित्री स्वामी अनुरक्ति अतुलनीय शक्तिर अधिकारी तेणु से नारी समाज रे अग्रगण्य हो रही आसी व्रत पालन कले स्त्री माने वैधव दशा भोगे ना बोली लोकंर विश्वास रही। केवल ओडिशा रे नुहे भारतर विभिन्न स्थान रे सावित्री को नहीं विभिन्न पर्व पालन कराए। ओडिशा रे यह सावित्री व्रत भाव पालन कराता बेले उत्तर भारत में बट सावित्री और तमिलनाडु रे केरादाइन सावित्री नंबू भाव उत्सव भाव में पालन कराए। तमिलनाडु रे ता केरादाइन सावित्री नंबू उत्सव भाव में पालन कराए। तेरे धीरे धीरे नारी जिते आधुनिक होभली व्रत एवं पूजा पार्वण आंतरिकता कमी जा मन हो तेणु यह भाव में आपण मैंने शुणिले जे सावित्री व्रत केपरी पालन कर सावित्री व्रत में क्यों सावित्री पूजा कराए पूजा कराए जमदेवता पूजा कराए। आपण मैंने शुणिले जो देवी सावित्री पूजा कराए पूजा कराए जमदेवता जो सावित्री जन्म किपर होता शशुर अंध एवं स्वामी अल्पाय होते कहीं ये संपर्क में जाने तेणु आशा कैर ये भिडियो निश्चित भाव में आपण मूँ भल लगी तेणु भल लगी आपण मैंने लाइक सेयार और सब्सक्राइब करदे। आजपाई रोची ओम सावित्री देवी नमः।